और ये आज हम एक चक्कर प्लेट का वेट निकालते हैं। चक्कर प्लेट ऐसे नॉर्मली प्लेट का तो हम वेट आसानी से निकाल लेते हैं, लेकिन अगर चक्कर प्लेट है तो उसका वेट कैसे कैलकुलेट करें? क्योंकि आप देखे होंगे चक्कर प्लेट पर कुछ इस तरह के, उस पे जो प्लेट ऊपर की ओर निकले रहते हैं वो उस प्लेट का भी अपना एक वज़न होता है, एक वेट होता है। तो उसको हम प्लेन प्लेट की वज़न से तुलना नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उस चक्कर प्लेट का जो वज़न होता है एक प्लेन प्लेट से ज़्यादा होते हैं। तो सबसे पहले ये जो इस पे जो मेटल्स रहते हैं उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले देख लीजिए इसका जो लेंथ है वो 1200 हमने लिया है, कि जूम कर लिया है, और ब्रीथ जो है उसको हमने 400 ले लिया है। हाँ, ब्रीथ को जो है हमने 400 यहाँ दिखाया है। इसका थिकनेस हमने 6 mm ले लिया। इन सबको यहाँ पे मीटर पे हमने कैलकुलेट कर लिया, मीटर में कैलकुलेट कर लिया। अब देखिए क्या करते हैं हम, ये लेंथ इंटू ब्रीथ इंटू 2.1, ये 2.1 लेंथ इंटू ब्रीथ में हम 2.1 से जब मल्टीप्लाई करते हैं तो ये जो ऊपर चक्कर प्लेट के ऊपर वाले जो मेटल्स होते हैं लगे रहते हैं, इनका अपना जो वेट होता है वो एक तरह से इनका वेट निकल जाते हैं। उसके बाद जो हम नॉर्मल एक प्लेट का वजन निकालते हैं, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, एन लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू थिकनेस इंटू स्पेसिफिक ग्रेविटी जो होती है वो, सॉरी यहाँ पे हमने 7850 लेंगे, क्योंकि हमने पूरा मीटर में लिया हुआ है सारे डेसिमल को। तो यहाँ 7850 से हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो नॉर्मली जब मल्टीप्लाई करके हम निकालेंगे तो इसका वजन आ जाएगा इतना। तो जो चक्कर प्लेट का वेट है, वो चक्कर प्लेट का वेट हमने जो निकाला है इन दोनों को, यानी ये जो वेट हमने एक निकाला इसको, और ये जो वेट हमने निकाला इसको, इन दोनों को जब प्लस कर देंगे तो कम्प्लीटली जो एक प्लेट का वेट होता है वो प्लेट का वेट निकल जाएगा, यानी 23.616 kg इस चक्र प्लेट का वेट होगा।